डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों के बीच में हर रोज की तरह पहाड़ी लड़का एक बार फिर से नया वीडियो लेके आए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो मैं वहाँ से ज़्यादा सामान नहीं खरीदूँगा, बट मैं स्पेशली शूज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। और अगर अच्छा कुछ लगेगा तो और भी कुछ खरीदूँगा। और स्पेशली मैं शूज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ दो तीन फ्रेंड लोग जा रहे हैं। और मन कर रहा है कि अगर टैटू स्टूडियो मिल गया मॉल के अंदर तो मैं टैटू भी ज़रूर बनाऊँगा। और वीडियो पे बने रहे और वीडियो देखिए लास्ट तक। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम यहीं से। सो गाइस, फाइनली मैं रूम से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। नोएडा सेक्टर 34 में जाऊँगा और वहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा। और मेट्रो पकड़ के मैं सीधा राजीव चौक जाऊँगा और टिकट वगैरह लूँगा। मैं टोटल वगैरह आपसे शेयर करूँगा सब चीज़, देखिए आप। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन। मैं नोएडा से जा रहा हूँ सेक्टर 34 से और मैं जाऊँगा राजीव चौक। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी टोकन ले लिया है, टोकन दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने टोकन लिया है। सो गाइस, फाइनली मैं पालिका बाज़ार पहुँच चुका हूँ और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है। और तो बात करते हैं हम यहाँ की। आजकल यहाँ पर भीड़ नहीं है लॉकडाउन के कारण, नहीं तो यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस, बात करते हैं हम आगे की। तो हम जा रहे हैं पालिका बाज़ार। ये जो सामने से गेट दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे। यहाँ से एंट्री गेट है और दूसरी तरफ से एग्जिट गेट है। तो जब हम एग्जिट गेट से होके आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और हम चलते हैं अंदर की ओर। अगर वीडियो अलाउड होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, वीडियो पे बने रहें। गाइस, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर वीडियो बनाना। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पर टैटू बना रहा हूँ, यहाँ पर अलाउड है बट मॉल के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं आप लोग। और इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और अंदर कुछ भी दिखा नहीं पाया कि क्या क्या है। नज़दीक में एक पार्क है, वहाँ की तरफ जाएंगे हम। यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं ऑलरेडी। और दोस्तों हम चलेंगे अब और रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करने के बाद हम एक पार्क के सामने जाएंगे, वहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। तो फाइनली मैं पार्क के सामने पहुँच चुका हूँ। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और जा रहे हैं अंदर की ओर। देखेंगे यहाँ पर क्या घूमने लायक है और क्या यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पर क्यों भारी से भारी जनसंख्या में आदमी इकट्ठे हो रखे हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कैसा है। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे की ओर, दिखाएंगे यहाँ पर आप सभी लोगों को। सामने देखो कितने सारे आदमी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। जो आपको स्क्रीन पे लंबा सा पाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ टाइम पहले इंडिया का झंडा लहराता हुआ नजर आता था। ये पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर झंडा नहीं है। वैसे हम चलते हैं आगे की ओर, आगे का हम दृश्य दिखाएंगे आपको। हमारी भारी जनसंख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं
और ऊपर से आज संडे भी है, इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी। मेरे उत्तर